नमस्कार दोस्तों, तो कैसी है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली। और आज सुबह से ही देखिए बारिक वाले ओले आने लगे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके एक और नई फ्रेश और कमाल ब्लॉग में। अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और देखिए ओला बारी अभी जो होती है बारिक वाली वो आ रही है और ये अटक भी रहा है। और अभी बज रहे हैं 7:30 और मौसम थोड़ा खुल गया है। मुझे जाना है कसैलिक मार्केट की तरफ और सामने जो वेदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये है ठकुर बाबा टॉप की तरफ। इसके जस्ट पीछे रामगढ़ का एरिया आता है और इस साइड पर हुई है थोड़ी बहुत बर्फबारी और अभी मौसम थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो चलते हैं अभी कसैलिक की तरफ, दूध पहुँचाना है। तो दोस्तों मैं पहुँचाने जा रहा हूँ दूध, ये मेरी दूध की बाल्टी और साथ में छाता ले जा रहा हूँ। अभी तो मौसम खुला हुआ है और सामने की तरफ देखिए यहाँ थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई है। रात को तो बारिश होगी, बर्फबारी का चांस बन रहे थे, रात को हुई हो नहीं पाई पर। और अभी थोड़ी बारिश रुकी हुई है, इससे थोड़ी देर पहले एकदम महीन बजरी जिसको हम बोलते हैं वो आ रही थी। और सामने देखिए पूरा मस्त माहौल बना हुआ है, ये है रामगढ़ का एरिया, इसके पीछे पूरा रामगढ़ का एरिया है। तो थोड़ी बहुत बर्फ़ रामगढ़ एरिया में देखने को मिल रही होगी। तो चलता हूँ मैं कसैलिक की तरफ, दूध पहुँचाते हैं, अभी थोड़ी बारिश रुकी हुई है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ रोड पर और दूध की बाल्टी और छाता मैंने यहाँ पर रख दी है। तो मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखिए सामने का खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है अभी। और जो पूरा आपको धुंध दिख रही है सामने, मैं थोड़ा जूम करूँगा। ये देखिए यहाँ पूरा विजिबिलिटी अभी जीरो है, यहाँ है धानाचुली बैंड एरिया, तो यहाँ पर भी बर्फबारी थोड़ी बहुत हुई है। और बाकी इस प्रकार का अभी सुबह माहौल बना हुआ है, सुबह इस प्रकार के व्यू जा रहे हैं अभी, खूबसूरत माहौल। तो चलिए मैं चलता हूँ कसैलिक की तरफ, अपना दूध देते हैं डेयरी पर और बाकी आगे आपसे लोग। दोस्तों डेयरी में दूध फिलअप करके मैं अभी घूम रहा हूँ कसैलिक मार्केट में। और देखिए पूरा धुंध छाया हुआ है, पूरा कोहरा छाया हुआ है और लगातार बारिश हो रही है और बर्फ़ ही गिर रही है महीन वाली, लेकिन ये टिक नहीं पा रही है। देखिए पूरा ये रामगढ़ मुक्तेश्वर रोड, मैं हूँ बालाजी के पास में और सामने मुक्तेश्वर घाटी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी देखिए पूरा कोहरे से पैक हुआ है और सामने हमारा भोलेनाथ का मंदिर कसैलिक मार्केट में, विजिबिलिटी एकदम जीरो आ रही है, पूरा कोहरा छाया हुआ है अभी पहाड़ों पर। और ये है कसैलिक मार्केट के नज़ारे, अभी देखिए सुबह का टाइम है, लगातार बारिश जारी है, कुछ कुछ दुकानें यहाँ पे खुल चुकी हैं और लोग वही आ रहे हैं जो सुबह यहाँ पे दूध पहुँचाने आते हैं और जिनके कुछ इम्पोर्टेंट काम हो गए वही लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम भी यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ कसैलिक से घर की तरफ। तो बारिश लगातार जारी है, बर्फ़बारी भी हो रही है किसी किसी टाइम, और सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है रामगढ़ गागर एरिया में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। जो मेन रोड है मुक्तेश्वर आने वाला वो रोड भी अभी बंद पड़ा हुआ है। तो चलते हैं घर की तरफ। ये देखिए दोस्तों कुछ भी दिख पाना अभी संभव नहीं हो पा रहा है, हल्की हल्की बर्फ़ आ रही है और पहाड़ों पे पूरा कोहरे से पैक हुआ है मौसम, देखिए। तो हम चल रहे हैं घर की तरफ। तो चलते हैं घर की तरफ और देखते हैं दिन भर भी ऐसा ही माहौल बना रहेगा। और ये पास में गेहूँ बो रखे हैं मस्त, इनके लिए तो काफ़ी अच्छा हो गया, पेड़ों के लिए अच्छा हो गया, लेकिन बर्फ़बारी नहीं हो पा रही है, उसी का मलाल है। ऊंची ऊंची जगहों पर तो हो रही है, अभी जिन जगहों पर हम लोग रहते हैं यहाँ केवल हो रही है, टिक नहीं पा रही है। तो फ्रेंड हम चले हैं अभी घर की तरफ को, हरीश भाई और मैं जा रहे हैं, हम आए थे कसैलिक मार्केट पर दूध लेने सुबह दूध पहुँचाने के लिए। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच जाते हैं घर पे, हरीश भाई और मैं आए थे सुबह और देखिए फिर कोहरा आने लगा है। मौसम तो 2-3 दिन से क्या मौसम हो गया है पहाड़ों पे, कहीं कहीं बर्फबारी हो चुकी है और यहाँ तो अभी बारिश ही हो रही है, लगातार मौसम इस प्रकार बना हुआ है, ठंडा काफ़ी हो रहा है, वाट लगी पड़ी है। और देखिए फिर बर्फ़ आ रही है, अगर ऐसी बर्फ़ रात को पड़े तो रात को तो थोड़ा बहुत टिक भी जाए, दिन में तो मुश्किल ही हो रही है। तो पहुँच जाते हैं घर के पास में, रास्ते देखिए पूरे भीग के बारिश से पूरा गीले हो चुके हैं, मिट्टी मिट्टी हो रही है, कहीं पर पानी हो रहा है। तो चलिए पहुंच जाते हैं घर पे, और कोहरा फिर से आने लगा है, सब सुन पड़ गया, पूरा धुंध पूरा कोहरे से पैक हो चुके हैं पहाड़। दोस्तों फाइनली घर पे पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा रह गया और देखिए फिर से तेज़ हो चुकी है बर्फ़बारी, अभी एकदम महीन वाली बर्फ़ हो रही है जिसको हम बजरी बोलते हैं। ये देखिए अभी काफ़ी तेज़ हो चुकी है, बस पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा रह गया।
तो फ्रेंड अभी हो रहा है 11:30-12 बजे का समय और बारिश लगातार चली हुई है, बारिश रुक नहीं रही है, सुबह से बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा जो बर्फ़ गिरी हुई है हमें पता चला है कि रामगढ़ गागर एरिया में सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरी है और धानाचुली के ऊपरी एरियाओं में भी बर्फ़ गिरी हुई है। तो अभी देख फिर से बारिश शुरू हो चुकी है और मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि इस समय कैसा मौसम अभी बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों लगातार बारिश है पहाड़ों पर, बारिश तो रुक नहीं रही है, अब देखिए बर्फ़बारी होती है यहाँ पर नहीं हो पाती है। दोस्तों लगातार बारिश अभी जारी है, आप देख सकते हैं बारिश रुकने का नाम नहीं लिए, कभी बर्फ गिर रही है तो कभी बारिश गिर रही है और सभी जगह देखिए धुंध कोहरे से पूरे पहाड़ पैक हैं, दिखाई कुछ नहीं दे रहे हैं, लगातार बारिश अभी जारी है आप देख सकते हैं। तो अभी 2:30 बज रहे हैं, बारिश रुकी हुई है आप देख सकते हैं, इससे पहले थोड़ी देर पहले बारिश ही हो रही थी और बारिश रुकी हुई है। अभी मौसम देख सकते हैं वैसा ही है, कुछ बदला नहीं है, बस इतना फर्क है कि बारिश रुकी हुई है और पहाड़ियों की ऊंचाई पर फिर से कोहरा छाया ही हुआ है। आप देख सकते हैं दूर, ये देखिए यहाँ पर भी अभी कोहरा छाया हुआ। फाइनली सीन ऐसा है दोस्तों, बारिश रुक नहीं रही है और लगातार बारिश जारी ही है और दिन में थोड़ी बारिश रुकी हुई थी, अभी बारिश फिर से चालू हो गई है। अब मौसम देखिए क्या होता है, रात को बर्फ़ गिरती है तो ठीक है, नहीं गिरती है तो क्या कह सकते हैं। तो मौसम देखिए शाम के समय हो रहा है, अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो दिन भर ऐसा ही मौसम है, खा के मैं भी सो गया था, तो यही है दिन भर का मौसम, बज रहे हैं 5:00 तो ये है मौसम इस प्रकार का। अभी देखिए पूरा कोहरा ही है, सीन अभी ऐसा है दोस्तों, शाम का समय है और मेरे पीछे आपको मस्त घाटियां दिख रही होंगी, उसमें मस्त क्लाउड छाए हुए हैं, तो आपके लिए एक सुंदर सा हाइपरलैप शूट करता हूं, आइए तो जरूर आपको भी पसंद आएगा और एंजॉय करिए उस हाइपरलैप को, पसंद आएगा तो कमेंट में शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों हाइपरलैप आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, आई होप आप लोगों को हाइपरलैप पसंद आया होगा। तो मैं चलता हूँ, यहाँ पे भाई लोग यहाँ पे आग सेक रहे हैं, मस्त इन्होंने आग जला रखी है यहाँ पे, तो आग सेकते हैं और इन्जॉय लेते हैं शाम के समय का। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आग जला रखी है, साथ में अमित भाई बैठा है, हरीश भाई बैठा है, तो आग जला रखी है मस्त, आग सेकते हैं क्योंकि ठंडा गजब हो रहा है। ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।